हो जी हाँ। कितने का जाता है कट्टा भिंडी का? कट्टा एक पहले तो मंडी में मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार का ऐसी था। 15-20 हज़ार का? अजी भाई वाह, भिंडी इतनी महंगी है क्या? मेरे ख्याल में 400 रुपए किलो है भिंडी। 400 रुपए किलो है ऐसे ना भिंडी? अभी भिंडी अभी मेरी पालक मेरे ख्याल से ये वाली। जी हाँ ये वाली, ये 200-250 रुपए किलो ये भी। वाह वाह इतनी महंगा है ये भाई। देखे यहाँ पे अभी ये भी क्या कर सकते, इसमें तो आपको मतलब जो दवाई वगैरह हो गई। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं विक्रम भाई के छोटे से जो खेती लगी हुई है, सब्जी वगैरह लगी हुई है, तो हम वहाँ पे जाएंगे तो देखें सब्जी के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो हमारे साथ है विक्रम भाई। पहले जय श्री राम। जय श्री राम। आप लोग विक्रम भाई को बिल्कुल जानते होंगे क्योंकि इनके जो फेसबुक पर जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी वो आए गाइस, तुम्हें पता है कितने इसके व्यूज़ हैं? 1.9 मिलियन व्यूज़ और 141,000 आपके लाइक मिले हैं विक्रम भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, कैसे? तो गाइस और हमारे साथ हैं अजय भाई। अजय भाई राम राम। राम राम। ये है अजय भाई, ये भी एक जॉब करते हैं जो कंपनी के अंदर है, तो ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे और सब्जी के अंदर विक्रम भाई क्या क्या लगी हुई है सब्जी में? सब्जी बहुत कुछ है, सारी सब्जी है। अच्छा जी हाँ। चलो वो भी हमें सब्जी में दिखाना क्या क्या चीज़ लगी, ठीक है? हम देखेंगे कौन सी सब्जी हमें अच्छी लगी तो हम वो लेंगे, ठीक है दोस्तों? तो विक्रम भाई हमारे साथ हैं, तो वीडियो को एंड तक जुड़े ना, वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं गाइस, ठीक है? यहाँ पे पहुँच गए हैं सब्जी के अंदर। तो ये देखें सब्जी लगी हुई है, इसको विक्रम भाई ये कौन सी सब्जी है? ये मोगरी है। मोगरी है जी हाँ। अच्छा, इसकी सब्जी कैसे बनती है? इसकी सब्जी बिल्कुल मूली की तरह बनती है, जैसे अच्छा। कि मूली यहाँ ऐसी बनती है इसकी। वीआईपी। अच्छा वीआईपी बनती है जी हाँ। चलो भाई और भी लगी हुई है यहाँ पे, देखें यार ये तो सब्जी यहाँ पे बहुत लगी हुई है। पीस मटर भी लगी हुई है? नहीं जी हाँ, पीस मटर भी है। अच्छा इस तरफ क्या है? ये पपीते हैं जी हाँ, पपीते हैं ये। वाह 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 वाह, वेरी गुड। तो अभी गाइस हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो अजय भाई क्या लेंगे आज सब्जी में? हम सब्जी में क्या लेंगे? क्या ले काटे? पालक ले ले। हाँ पालक ले लो। पालक सही है, बेस्ट है। चलो भाई पालक देखते हैं। पालक के कौन सी है विक्रम भाई? ये है पालक। अच्छा ये इसको गद्दा पालक बोलते हैं? गद्दा पालक। और सिंधी पालक? सिंधी पालक वो तो अभी इसकी मौसम नहीं, वो खत्म हो चुकी है, उसमें बीज बीज सारे लग चुके हैं। अच्छा वो खत्म हो गई? खत्म हो गई। और ये गद्दा पालक है? ये देखो ये खड़ी हुई है, इसमें बीज बीज सारे लग गए। ये सिंधी पालक है। सिंध पालक है, इसके बीज बीज हो गए। अच्छा और ये क्या है? गजर है क्या है? ये गजर है। ये गजर के ये बीज वाले गजर हैं। ये इसको बीज के लिए लगाइए। अच्छा देखें गाइस ये है, बीज निकलेंगे इसमें से। अच्छा ये बीज के लिए? जी हाँ। वाह भाई वाह, इसके बीज देखें कैसे होते हैं ऐसे ना जी। और भिंडी कितनी तैयार हुई? भिंडी तैयार है या नहीं? इस तरफ बिल्कुल तैयार है आज तक। अच्छा भिंडी भी क्या चली? भिंडी की क्या आप सेल कर रहे हो? उसकी थैलियां जो थैलियां भरते हो या कट्टे भरते हो भिंडी की? कट्टे। कट्टे भरते हो जी हाँ। कितने का जाता है कट्टा भिंडी का? कट्टा एक पहले तो मंडी में मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार का ऐसे था। 15-20 हज़ार का जी भाई? वाह भिंडी इतनी महंगी है क्या? मेरे ख्याल में 400 रुपए किलो है भिंडी। 400 रुपए किलो है ऐसे ना भिंडी? अभी भिंडी अभी मार्केट में किधर भी नहीं मिलती है क्योंकि अभी तैयार नहीं, सिर्फ हमारे पास जो तैयार थी वो देते हैं। अच्छा देखो भिंडी कौन सी लगी हुई अभी देखें। तो गाइस भिंडी यहाँ पे जो चल रही है 400 रुपए किलो। और ये पालक गदा पर भी पालक का बिल्कुल जैसे आपके पास पालक का रेट बिल्कुल अच्छा है। कितने चल रहा है सिंध पालक का? पालक है तकरीबन ये है 200-250 रुपए किलो। ये भी पालक मेरे ख्याल से ये वाली? जी हाँ ये वाली। ये 200-250 रुपए किलो ये भी? ये भी किलो। वाह वाह इतनी महंगा है ये भाई। देखें यहाँ पे अभी ये भी क्या कर सकते, इसमें तो आपको मतलब जो दवाई वगैरह हो गई बाण इसमें ऐसे जी हाँ। सब खाद वगैरह इसके अंदर ही है। हाँ। तो अभी गाइस आपको दिखाएंगे, तो भिंडी जो लगी हुई है यहाँ पे वो भी दिखाएंगे। ये भिंडी है? हाँ जी हाँ ये भिंडी है। ये भिंडी ऐसी क्यों हो गई है? वो थोड़ी सी मतलब कि इसके वो लाइट नहीं पड़ती है, मतलब यहाँ पे वो छांव वगैरह होती है इस वजह से। अच्छा अच्छा तो देखें गाइस ये भिंडी लगी हुई है अभी। ये भी इधर भिंडी तैयार है देखो। तो अभी गाइस अच्छा ये इतनी होती काट दे इसको? अभी ये बड़ी होगी? ये अभी बड़ी भी होगी। हाँ इतने इतने इसके दरख्त होंगे। तो गाइस हम जो है भिंडी अभी खा नहीं सकते, जो 400 रुपए किलो भिंडी चल रही है गाइस। तो ये देखें अभी ये भिंडी इतनी लगी हुई है, आगे भी लगी हुई है बहुत सारे, तो एकड़ में भिंडी लगी हुई है। तो फिर ये पौधे कम लगे हुए हैं यहाँ पे? ओ वो नहीं है लगी गई थी, मर्ज लग गया था। अच्छा अच्छा कीड़े वगैरह आ गए थे इसे? छांव की वजह से ना, पहले छांव की वजह से आम में कीड़े आम को। अच्छा 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 ये देखिए आम भी लगे हैं? नहीं जी आम पे। तो गाइस ये देखें यहाँ पे अभी आम के जो है ये फूल वगैरह भी लग रहे हैं यहाँ पे। तो अभी इनकी मौसम भी स्टार्ट हो गई, तो इस वजह से अभी इस आम के जब फूल लगते हैं ना इसमें वो ज्यादा एक जो होता है कीड़े वगैरह होते हैं ना जी भाई, क्या होते हैं जो मतलब सब्जियों के ऊपर भी पड़ते हैं, उनके असर पड़ते हैं बहुत सारे। तो ये देखें दोस्तों इस वजह से। तो अभी और आगे चलेंगे। और विक्रम भाई आ जाओ दिखाए।
और क्या है पीस मटर, क्या भी चले पीस मटर की थैली? पीस मटर तो वही पूछो, भिंडी से भी ऊपर है पीस मटर। कितने रुपए पीस मटर? पहले हमने मतलब के यानी कि खाली एक थैली दी थी, थैली दी थी 1500 रुपए लिए थे हमने खाली थैली की। एक थैली की थैली दी थी। कितने इसमें वजन कितना होता है इसमें? उसमें होता है तकरीबन 6-7 किलो होता है। 6-7 किलो? जी हाँ। अच्छा तो 6-7 किलो के हिसाब से कितनी पड़ गई? 6-7 किलो हिसाब से माइनस करना, कितने रुपये किलो पड़ गई माइनस करना इसको। हाँ ये है गाइस पीस मटर लगी हुई, अभी आपको पीस मटर हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे जा रहे हैं पीस मटर पे। पीस मटर तैयार नहीं है ये? पीस मटर तैयार है। हाँ खड़ी हुई, ये भी अब ये भी खत्म है पीस मटर भी। बैंगन नहीं है? बैंगन, बैंगन भी है, बैंगन भी अभी बैंगन के फूल लग रहे हैं। अच्छा अभी तैयार नहीं है? वो तैयार नहीं है, वो कुछ सामने खड़ा। तो गाइस ये देख रहे हैं ये है पीस मटर लगी हुई है, लेकिन आपने इसकी अभी इसकी चुनाई की है नहीं की है? चुनाई तो मैंने ख्याल से हो चुकी है। हो चुकी है ये खड़ी है देखो। हाँ ये मटर है ना, पीस मटर। और मूली? मूली भी, मूली उधर है, मूली भी आपको दिखाए थे। आ जाओ ये पीस मटर है बिल्कुल। अच्छा मूली भी लगी हुई है। ये बैंगन है? बैंगन। टमाटर नहीं पोंखे आपने? टमाटर ये खड़े हुए हैं। अच्छा ये टमाटर ये अभी तैयार भी नहीं हुए यार। घर के लिए मतलब 3-4 इसके दरखत लगा दिए घर। अच्छा घर के लिए आपने लगाए हैं, इसलिए घर के लिए। अच्छा अच्छा ये तो पुदीना लगा हुआ है ना? हाँ ये पुदीना है। ये अपने एक लगा दिया, सारा लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा था। फिर दोबारा तो गाइस पानी भरा। अच्छा अजय भाई ये पुदीना ऐसा है कि आपके अगर सीने में जलन वगैरह हो ना तो हर चीज का ये बीमारी का ये बेस्ट चीज है ये वाली। हाँ इसको आप बोले ऐसे खाओगे ना आपका मतलब एक आजमा ठीक कर लेता है ये पुदीना, ऐसी चीज है ये। ये बैंगन है ये देखो, बैंगन। बैंगन अभी लगी नहीं है? बैंगन देखो ये फूल लग रहे हैं। हाँ फूल लग रहे हैं। चलो धनिया, धनिया 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 और मेथी भी लगी हुई है ना, ये देखो धनिया भी गजी है। धनिया धनिया भी तैयार है। वाओ धनिया भी तैयार है यार अभी हम। और ये क्या लौकी? हाँ ये लौकी है। अच्छा लौकी ज्यादातर अपने पाकिस्तान के अंदर कम लोग खाते हैं नहीं? लौकी शहर के अंदर ज्यादा चलती है? शहर में बहुत चलती है भाई लौकी। हां लौकी। अच्छा लौकी का हलवा भी बनता है ना? हां हलवा, हलवा भी बनता है। वो गजर का भी हलवा बनता है जो लाल वाली गजर है। हां तो गाइज ये है अपना विक्रम भाई का छोटा सा खेत है जो यहाँ पे रहते हैं। और विक्रम भाई को अभी हो सके जितना ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि ये भी अब छोटा सा यूट्यूबर है दोस्तों। इसका चैनल हम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आज हमने विक्रम भाई से पहले कॉन्टेक्ट किया, उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मूली लगी, अभी मूली देखो एक बड़ा निकालो इसको दो अजय भाई को खाए। वो लगी हुई बड़ी, ये विक्रम भाई इधर आ जाओ। ये लगी हुई बड़ी है छोटी? नहीं नहीं छोटी है यार, एक मिनट ये छोटी है, ये देखें छोटी है, बड़ी होनी चाहिए ऐसे। हाँ अभी ये देखें विक्रम भाई निकाल रहे हैं मूली भरी। वाओ बस एक निकाल दो ज़्यादा नहीं, हम ऐड ऐड कर। वाओ मूली है। अच्छा ये कितने रुपए केजी चल रही है मूली? ये मूली भी वैसे मूली सही चल रही है। अभी क्या किलो चल रही है ये मूली? चल रही है तकरीबन एक और 350-350 रुपए किलो है। 350 रुपए किलो है। अच्छा वहाँ पे शहर अपना जो कराची के अंदर रेट कितने हैं इसके सब्जियों के? सब्जियों के तो रेट बहुत है यार वहाँ पे। तकरीबन एक मिसाल है टमाटर क्या किलो चलते हैं वहाँ पे लेते होंगे आप? टमाटर चले 120। 120 जी। और ये मूली वगैरह पालक वगैरह? ये पालक वगैरह तो बहुत महंगे है यार। अच्छा आप खा भी नहीं सकते हो? हम खा सकते। फिर वो क्या कर रहे हैं मिर्च बना के चटनी बना के वो खाते हो? वही खाते हैं। चलो 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 चलो। इस वजह से कीड़े वाले से, लेकिन अच्छे वाले तो अच्छे वाले महंगे। कितने? अच्छा तकरीबन 500-600 रुपए की खाना। 200-250 चल रहे हैं। 200-250 रुपए किलो अच्छे वाले बहुत महंगी है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं आगे और क्या बोलते हैं वो गोगड़ू मूली। गोगड़ू मूली की मैंने पहले भाई अजय भाई बनाई थी सब्जी, उसको बहुत अच्छी लगी थी। हाँ उसको शलगम भी बोलते हैं। शलगम 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 बोलते हैं। हाँ शलगम में तो गोगड़ू मूला बोलते हैं और लोग उसको ज्यादातर हिंदी में इसको बोलते हैं शलगम शलगम। ये लाल वाली गजर है जी? हाँ ये लाल वाली गजर है। तो गाइस ये है लाल वाली गजर खड़ी है। अच्छा ये देखिए छांव है, इस वजह से तैयार नहीं हो रही है जी। कीड़े काट के, कीड़े इसमें इसको ना कीड़े नहीं पता क्या ये है कि आपकी छांव यहाँ पे है। हाँ। इसको छांव नहीं होनी चाहिए कुछ, इसको मतलब धूप भी लगे।
तो इस वजह से ये तैयार भी हो जाएंगी। तो अभी गाइस आएंगे उस तरफ चलेंगे, आपको घुघड़ मूवी भी दिखा लेंगे। तो अभी किधर है, ये लो आप खा रही हो तो खाओ इसको, सुबह मॉर्निंग में खाने से अच्छी सेहत हो जाती है। अच्छा घुघड़ू मूली भी पता क्या है, ये सबसे बेस्ट है, इसको वैसे भी लोग खाते हैं घुघड़ू मूली को। अभी विक्रम भाई निकाल रहे हैं घुघड़ू मूली, और सॉरी शलगम मूली। विक्रम भाई क्या हुआ, अच्छा 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 ये खिरिये, मतलब खिरिये क्या होते हैं, ये होते हैं जो नाली वाली निकालते इसमें मतलब लगाते बीज बीज। क्या मतलब, हमें थोड़ा समझा, हमें तो पता नहीं होता कि खिरिये क्या होते हैं, आप ज्यादातर इसमें हो, आपको पता होगा एक नॉलेज में, खिरिये किसको बोलते हैं ये थोड़ा हमें बताएं। खिरिये तो ये गाइस जो हम खिरिये जैक नहीं, जैसे पानी के लिए लाल लाल, हाँ नाली वाली नहीं होती छोटी छोटी, नहीं तो खिरिये भी हम उसको बोलते हैं, हमारी बोली में तो खिरिये बोलते हैं, लेकिन आपकी बोली में क्या बोलते हैं। अच्छा ये आप दिखा दो तो कौन सी खिरिये बोलते हैं इसको, ये नहीं जो अच्छा ये नाली बनी है इसको बोलते हैं, हाँ इसको खिरिये बोलते हैं। अच्छा अच्छा खिरिये, आई अंडरस्टैंड, ओके ओके ओके। तो अभी ये इसमें शलगम निकालो, शलगम आ जाओ मैं उस तरफ दिखाता हूँ आपको। क्यों बड़े इधर तो जाने की, इधर ही छाए इधर छोटे हैं, लेकिन इधर थोड़ा जल्दी कर लो, एक एक खड़ा हुआ है ना वो भी बड़ा है। तो ये तो भाई सरसों है, ये भी शलगम है, ये पीस मटर है, ये पीस मटर है, ये देखें भी तैयार है भाई। ये पीस मटर तो आप खा नहीं सकते क्योंकि बेचारे इनकी भी रोजी है, ये बात है, हाँ ना, जब सस्ती होगी फिर देखेंगे, अभी इनको रोजी करने दो। ये कहाँ जा रहा है भागता हुआ, ये जा रहा है आगे, हाँ इधर से निकाला, इधर से भी सही है, नहीं ये बीज के लिए रखी हुई मेरे ख्याल में, ये रीन, ये रीन नहीं छोटी है, ये जो बड़े बड़े शल घूमते ये निकाल दिए। अच्छा सुबह सुबह अबू ने पापा ने वो दे आए मंडी में, अच्छा बड़े बड़े थे, जी हाँ देखो ये बड़े बड़े थे, देखो कितने कितने बड़े पन्ने, ये साथ में खड़ो तो मतलब यानी कि बड़े नहीं होते। अच्छा साइड में जो लगे साथ साथ होते हैं तो इस वजह से, हाँ इस वजह से बड़े नहीं होते ये। चलो ऐसे करते हैं ये निकाल देते हैं, एक बस एक ही बहुत, बहुत ये देखें। तो गाइस ये है शलगम, ओ वाओ ये वाली अच्छी चीज़ निकली है ना यार। चलो भाई ये लो पकड़ो, अब क्या करें पालक काटे आ जाओ। तो हमें अब जो सिंधी बोलते हैं जिसको, इधर भी उधर ले अच्छी थी, ये देखो पीस मटर, हाँ ये ज़्यादा लगी हुई है, ये देखो हाँ ना पीस मटर, ये देखो। अच्छा ये ज़्यादा जो होती है जो रेत वाली ज़मीन वहाँ पे बहुत ज्यादा लगती है ऐसे, ये कम लगती है। तो गाइस अभी हम जाएंगे पालक काटेंगे। तो विक्रम भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, जो हमारे लोग जो आपको देख रहे हैं, कुछ उनके पैगाम या कुछ बताना चाहेंगे आपके चैनल के बारे में। तो जैसे कि आज मैं एक वीडियो बनाने पहले भी मेरी वीडियो बन चुकी थी, तो उसमें आपकी वजह से आपने मेरी इतनी सपोर्ट की कि आपने मेरा दिल खुश कर दिया। बिल्कुल वाह 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 वाह, आपकी भगवान की तरफ से आपको भी बड़ा बड़ा मतलब के शुक्रिया, जो आपने इतनी मेरी सपोर्ट की और इतना कि आज आपकी खेती भी देखी हमने, बहुत अच्छा लगा हमें। चलो तो विक्रम भाई ठीक है फिर, धन्यवाद, जय श्री राम, ठीक है भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके गाइस तो अभी हम व्लॉग को करेंगे यहाँ पे एंड, और अभी हमें यहाँ पे थोड़ी सी सब्जी वगैरह लेनी है, उसी के बाद अभी घर भी जाना है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को हमको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और विक्रम भाई को प्यारा सा कमेंट कर देना, और इसका भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।